नमस्कार। वीडियो लेक्चर की आज इस सीरीज में हम बात करेंगे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डायग्राम है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस सिस्टम को हम मुख्य तौर पर, ये जो डायग्राम है इसको मुख्य तौर पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है इसमें हमारे पास स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट और दूसरा है क्वेरी प्रोसेस प्रोसेसर कंपोनेंट। डेटाबेस का मुख्य फीचर यह है कि ओरिजिनल डेटा को प्रोग्राम से विभक्त करते हुए डेटा का हम प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर विभिन्न सॉफ्टवेयर मॉडल जो कि DBMS में पाए जाते हैं उनके ऊपर फोकस करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो हमारे पास स्टोरेज मैनेजर है इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़े स्पेस में डेटा को स्टोर करता है। साथ ही साथ हमारी जो मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, इसलिए इन्फॉर्मेशन डिस्क पर स्टोर जो भी हमारा डेटा स्टोर होगा उसमें से एक्चुअल डेटा को हम डिस्क पर स्टोर करते हैं। साथ ही साथ जो डेटा जिसकी हमें यानी कि इतनी आवश्यकता नहीं होती है तो उसको हम एक्चुअल जगह पर स्टोर नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा डेटा है उसमें मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में आपस में डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है जिससे कि डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर मेन मेमोरी से डेटा को डिस्क के बीच में मूव करने का कार्य भी करता है। जो दूसरा है हमारा इसमें क्वेरी प्रोसेसर डेटा को हम सिंप्लीफाइड और फैसिलेट एक्सेस करने में भी हमारे लिए इसका उपयोग होता है। इसमें हमारे पास DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कमांड का हम उपयोग करते हैं जो कि हमारे DDL स्टेटमेंट और DDL कंपाइलर द्वारा मैनेज किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारा जो एंड यूजर इंटरेक्टिव जो क्वेरी इश्यू करता है जो कि प्रोसेसिंग से पहले कंपाइल होती है और एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते समय हम उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। साथ ही साथ हमारे जो डेटाबेस ओवरऑल डायग्राम है जिसमें हमने स्टोरेज मैनेजमेंट कंपोनेंट की बात की तो उसमें हम कोई भी हमारे पास पहले से जो भी डेटा स्टोर किया हुआ रहता है तो मैनेजर कंपोनेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को किसी भी डेटा को स्टोर अपडेट और रिट्रीव करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट एक प्रोग्राम मॉड्यूल है। यह लो लेवल डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम और क्वेरी को स्वीकार करने के लिए एक्सेस इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ यह फाइल मैनेजर के साथ इंटरेक्शन के लिए भी काम आता है। स्टोरेज मैनेजर विभिन्न डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट को लो लेवल फाइल सिस्टम कमांड में परिवर्तित करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ जो कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग कर हम इसमें एक्चुअल डेटा को डिस्क पर स्टोर करने के लिए उपयोग में लेते हैं जो कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ स्टोरेज मैनेजर में यह कंपोनेंट को हम मुख्य तौर पर चार भागों में डिवाइड करते हैं जिसमें सबसे पहले है हमारे पास ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को श्योर करता है। साथ ही साथ किसी भी ट्रांजेक्शन के पूरे होने के बाद डेटाबेस को कंसिस्टेंसी अवस्था में रखता है और कंसिस्टेंट स्टेट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस को करने के लिए उपयोग में लेते हैं। सेकेंड है इसमें हमारे पास बफर मैनेजमेंट। बफर मैनेजमेंट डिस्क से मेन मेमोरी से डेटा को फेच कराने का काम करता है जिससे यह मेन मेमोरी में कैश से डेटा को भेजने का कार्य करता है। यह डेटाबेस सिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। और थर्ड इसमें ऑथराइजेशन और इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का और डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस करने की ऑथोरिटी को ऑथराइजेशन और इंटीग्रिटी मैनेजर द्वारा चेक किया जाता है। यह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्पेसिफाइड ऑथराइजेशन और इंटीग्रिटी रूल्स का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है इसमें फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर डिस्क पर स्पेस एलोकेट करने को मैनेज करता है और यह डेटा स्ट्रक्चर डेटा को रिप्रेजेंट और इंफॉर्मेशन को डिस्क पर स्टोर करने का कार्य भी करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टोरेज मैनेजमेंट है इसकी बेसिकली जो भी वर्किंग है उसमें हमें हेल्प करने के लिए हम इसको चार भागों में मुख्य तौर पर डिवाइड करते हैं। सेकेंड है इसमें हमारे पास क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट जो जिसको हम मुख्य तौर पर तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास क्वेरी प्रोसेस कंपोनेंट है इसका सबसे पहला पार्ट है हमारे पास DDL इंटरप्रेटर। DDL इंटरप्रेटर DDL स्टेटमेंट में इंटरप्रेट करता है और डेटा डिक्शनरी में डेफिनेशन को रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा को रखती है। मेटा डेटा
वो होता है जो किसी भी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। साथ ही साथ इसमें हमारा डेटा डिक्शनरी, लॉजिकल, जो भी हमारा डेटा और उनके विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप्स को भी वहाँ पे डिफाइन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सेकंड है इसमें DML कंपाइलर। यह DML स्टेटमेंट को क्वेरी लैंग्वेज में बदलती है तथा यह लो लेवल इंस्ट्रक्शंस जो कि क्वेरी इंजन द्वारा समझा जाता है उन्हें स्टोर करने के लिए उपयोग में रखती है। साथ ही साथ इसके द्वारा एंड यूजर इंटरेक्टिव क्वेरी रखते हैं वो भी प्रोसेसिंग से पहले कंपाइल की जाती है। साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखते हैं वह DML स्टेटमेंट बनाने से पूर्व प्री कंपाइल होते हैं और ऐसे ही होस्ट लैंग्वेज में कंपाइल होते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो DML कंपाइलर है वह क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करने के लिए उपयोग में लेते हैं। यह सबसे कम कीमत का एवोल्यूशन प्लान होता है जो किसी भी क्वेरी एवोल्यूशन इंजन लो लेवल इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और थर्ड है इसमें क्वेरी एवोल्यूशन इंजन। यह सभी प्रकार के लेबल्स इंस्ट्रक्शंस जो कि DML कंपाइलर द्वारा जनरेट किया जाता है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम उपयोग में लिए जाते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर डायग्राम भी देख रहे होंगे डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का, तो उसको हम मुख्यतः दो हमने भागों में डिवाइड किया। उन दो भागों को भी हमने वर्किंग के हिसाब से सब पार्ट में डिवाइड किया। तो अभी इस लेक्चर में हमने जनरली यही देखा कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको इसमें जो भी हमारा डेटाबेस यूजर्स है उसकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस है, क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट्स हैं और स्टोरेज स्ट्रक्चर में जो भी हमारे डेटा डिक्शनरी है या फिर कह सकते हो कि हमारा फाइल मैनेजर है, बफर मैनेजर है, इनकी क्या क्या उपयोग होते हैं और इनका जो भी वर्किंग होती है वो हमारे डेटा से कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। धन्यवाद।